नाउ लेट्स सी अबाउट द लेंस कि व्हाट इज अ लेंस। अच्छा, सबसे पहला इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये कि भाई लेंस इस तरीके का बना हुआ होता है, ठीक है, तो ये लाइट को कन्वर्ज ही क्यों करता है? ऐसा क्या होता है कि ये कन्वर्ज करता है? और ये वाला लेंस इस टाइप का बना होता है, तो ये लाइट को डाइवर्ज ही क्यों करता है? देखिए, इसका आंसर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सिस्टम में लिखा हुआ है। कैसे? आपने प्रिज्म पढ़ा होगा क्लास 10th में, आपने प्रिज्म पढ़ा होगा क्लास 10th में। लाइट जब प्रिज्म में एंटर करती है तो वो उसके बेस की तरफ डेविएट होती है। कैसे डेविएट होती है? बेस की तरफ। और ये जो लेंस है वो कुछ नहीं है, ये प्रिज्म कॉर्नर है। देखिए देखिए जरा, ये प्रिज्म कॉर्नर है, तो लाइट कहाँ डेविएट होगी? बेस की तरफ डेविएट होगी। ये वाला देखिए, ये क्या है? प्रिज्म कॉर्नर है, तो लाइट कहाँ डेविएट होगी? बेस की तरफ डेविएट होगी। ये क्या है? प्रिज्म कॉर्नर है, तो लाइट कहाँ डेविएट होगी? बेस की तरफ डेविएट होती जाएगी। इसीलिए कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। ये कॉन्सेप्ट होता है, दैट्स व्हाई। आगे समझते हैं कि भैया हमारे पास लेंस का एक फॉर्मूला होता है। लेंस का फॉर्मूला क्या कहता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। और यहीं पर इसके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है v/u। इन पर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं। अब इन पर फिर वही शॉर्ट ट्रिक बनती है जाके। कैसे? जो शॉर्ट ट्रिक हमने मिरर में पढ़ी थी, और मिरर में जैसे मैंने बोला था कि मिरर वाली शॉर्ट ट्रिक पे डेरिवेशन आती है, बोर्ड में पूछी ही जाती है, तो इस पे भी पूछी जाती है। क्या करेंगे? 1/f = 1/v - 1/u, और ये क्या हो जाएगा? 1/f = 1/v - 1/u डिवाइड यू। नाउ इन दिस केस डिवाइड यू बोथ साइड, और इन दिस केस डिवाइड वी बोथ साइड। U/f = U/v - 1। ये क्या जाएगा? V/f = 1 - V/u। U/f + 1 = U/v और V/u = 1 - V/f। तो कंडीशन क्या हो जाएगी हमारे पास? देखिए ना, V/u क्या होता है? 1/m होगा कि नहीं होगा? और V/u क्या होगा? m होगा। देन ओवर हेयर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला विल बी F - V/s, एंड ओवर हेयर मैग्निफिकेशन फॉर्मूला विल बी F + U/f। This will be the two magnification formulas which you have to learn, or you have to learn how to derive them. Is it clear? By the using these formulas, we can find out various things. Now, इनके magnification की trick बिल्कुल same वही होगी जो मैंने mirror में बताई थी। क्या बताया था मैंने mirror में? एक बार rewind out करते हैं कि अगर m plus है, एम का साइन कन्वेंशन प्लस है, तो ये जो प्लस साइन कन्वेंशन है ये हमें क्या देगा? ये हमें देगा वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज। और ऐसी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज कहाँ मिलती है? कॉनकेव मिरर में भी मिलेगी, और कॉनकेव लेंस में भी मिलेगी, और कॉन्वेक्स लेंस में भी मिलेगी, दोनों लेंसेज में मिलेगी। अब समझिएगा यहां पर कॉन्सेप्ट कि जब हम कॉन
लेंस की बात करते हैं, है ना, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉनकेव लेंस की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा ऑलवेज जो मैग्निफिकेशन होगा वो प्लस होगा, और जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो यहां पर जो मैग्निफिकेशन होगा इट विल बी प्लस इन सिक्स्थ केस, आखिरी केस में प्लस होगा जब इमेज ऑफ सॉरी जब ऑब्जेक्ट फोकस एंड पोल के बीच में होगा। ऑब्जेक्ट कहाँ होगा? फोकस एंड पोल के बीच में। मैग्निफिकेशन माइनस हो, ऐसे सिचुएशन में क्या होता है हमारे पास? रियल एंड इन्वर्टेड। और मैग्निफिकेशन माइनस होने के केस में हमारे पास सिर्फ एक लेंस आता है, वो है हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस। कौन से केसेस होंगे? 1, 2, 5 सारे केसेस इसमें होंगे। मतलब कभी भी रियल और इन्वर्टेड आपके कॉनकेव लेंस से नहीं बनेगी, है ना, कॉनकेव लेंस है ये, ध्यान रखिएगा। अब मैग्निफिकेशन लेसर देन वन की बात आती है, तो लेसर देन वन में भी हमेशा याद रखिए कि कॉनकेव लेंस से ऑलवेज लेसर देन वन बनेगी। कैसे बनेगी? ऑलवेज लेसर देन वन होगा मैग्निफिकेशन। एंड कॉन्वेक्स लेंस से सिर्फ फर्स्ट एंड सेकेंड सिचुएशन में होगा, मीन्स व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी एंड व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। अब मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन वन की बात आ जाती है, इक्वल टू भी इसी में कॉन्वेक्स में ही बनेगा, तो इक्वल टू का तो कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है। ग्रेटर देन वन, तो ग्रेटर देन वन हमेशा ऑलवेज कॉन्वेक्स लेंस में ही बनेगा। अब ऑलवेज क्यों लिखा ग्रेटर देन? क्योंकि भैया यहां पर ऑलवेज इसमें लग गया कॉनकेव में, तो यहां पर तो ग्रेटर देन वन इसमें आ जाएगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा जो एम होगा वो कैसा होगा? हमेशा नहीं, मतलब ग्रेटर देन वन पाया जाएगा, कभी इसमें कॉनकेव लेंस में नहीं पाया जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस में ही पाया जाएगा। और वो पोजीशंस क्या होंगी हमारे पास? पोजीशंस होंगी फोर्थ पोजीशन एंड फिफ्थ पोजीशन एंड सिक्स्थ पोजीशन। फोर्थ पोजीशन कौन सी होती है? सी एंड एफ के बीच में। फिफ्थ पोजीशन कौन सी होती है? एट एफ के बीच में। सिक्स्थ पोजीशन कौन सी होती है? बिटवीन एफ एंड पी के बीच में, ठीक है। दिस विल बी द सिस्टम, आप समझिए, ठीक है। सो वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर आफ्टर दिस।